प्रतापगढ़ नदी में मिली दो छात्राओं की शव, दोनों ही थी सगी बहनें। गैंगरेप के बाद हत्या कर शव ठिकाने लगाए जाने की जताई जा रही है आशंका। कल स्कूल के लिए घर से निकली दोनों बहनें हुई थी लापता। 2 तारीख को नगर कोतवाली के चकवन तोड़ के चिंतामण ने अपने दोनों पोतियों की गुमसुदगी की थी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सांगीपुर कोतवाली के घुइसनाथ धाम के पास सई नदी में मिली शव का जो है सई नदी में मिला है, तो क्या है पूरा मामला और क्या तफ्तीश में आपके निकल के सामने आया? आज सुबह थाना सांगीपुर में घुइसनाथ धाम के पास सई नदी में ये सूचना मिली कि 2 नाबालिग लड़कियों के शव वहाँ उतरा रहे हैं। इस पर पुलिस ने तत्काल रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पहुंचकर दोनों शवों की शिनाख्त की। दोनों शव दोनों सगी बहनें, एक का नाम अंजलि दूसरे का नाम शिवांगी हैं। ये दोनों बहनें कल अपने स्कूल थाना कोतवाली नगर MV कॉलेज से ये कहकर निकली थी कि एक बहन की तबीयत ख़राब है, और वहाँ से उसके बाद उन्होंने अपनी बुआ को फ़ोन किया था कि आके हमको ले जाएं जो, और मैं बेला देवी मंदिर पर हूँ, परंतु जो वहाँ पर लोग गए तो वो वहाँ नहीं मिली। इसके बाद आगे वे थाना लालगंज की तरफ गई थी वे दोनों बहनें। वहाँ पर एक छोटी सी बाज़ार में मोबाइल की दुकान पर उन्होंने बताया कि मैं अपने पिता से बात करना चाहती हैं। जो दुकान में युवक था, इसका नाम सुरेश है, उसने उनके पिता को फ़ोन करके बात बताई, तो उनके पिता ने सुरेश से कहा कि आप दोनों मेरी बेटियों को वहीं रोक लीजिए, मैं आके उनको ले रहा हूँ। इस पर सुरेश ने अपनी माँ से दोनों बेटियों को देखने के लिए कहा, परंतु थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें फिर वहाँ से भी चली गईं। इस बात की सूचना थाना लालगंज को की गई, तो वहाँ पर उन्होंने परिवारजनों के साथ बहुत छानबीन की, परंतु दोनों बहनें कहीं नहीं मिली। सुरेश जिस व्यक्ति ने उनके पिता को कॉल किया था, उस व्यक्ति से भी पूछताछ हेतु उसको हमने रोका और उससे गहनता पूछताछ की जा रही है। सवेरे जिस अवस्था में शव मिला है, उसका प्रथम दृष्टिया परीक्षण में ये पाया गया है कि सारे जो कपड़े और जो वस्त्र लड़कियों ने पहन रखे थे वो यथावत हैं और इंटैक्ट हैं, और किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट या कोई जाहिरा चोट किसी भी लड़की को नहीं है। दोनों बहनों ने अपना एक हाथ, एक बायां और एक का दाहिना हाथ एक दुपट्टे से बांध रखा था, और प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी डूबने से मौत हुई है। वहाँ घुसनाथ धाम के पास 3 पुल भी हैं जहाँ से ऐसा आशंका की जा रही है कि उन्होंने हो सकता है वहाँ से नदी में छलांग लगा दी हो। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम से असर्टेन हो पाएगा। सर, परिजन जो है हत्या और आत्महत्या को लेकर जो है आशंका जो है जाहिर कर रहे हैं, अभी वो कुछ क्लियर कह नहीं पा रहे हैं कि हत्या हो सकती है आत्महत्या हो सकती है, लेकिन क्या इस बिंदु पे भी आपके द्वारा जो है जांच की जा रही है? हाँ, इसमें हम कोई भी एवेन्यू छोड़ नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जाहिरा चोट शवों पर नहीं दिखाई पड़ी थी, प्रथम दृष्टिया फॉरेंसिक ने जब इसकी जाँच की थी, और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ सर्टेन हो जाएगा, उस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चलेंगे।